झील से निकलते ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीरों ने उड़ा दिए थे सबके होश, मगर थिएटर में नहीं चली ये हॉलीवुड मूवी। आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 और मैं हूँ नजरीन सुल्ताना। ऐश्वर्या राय बच्चन उन बॉलीवुड अभिनेत्रियों में हैं जिन्हें हॉलीवुड और ब्रिटिश मूवी में लीड रोल मिले, मगर उन्होंने हमेशा ऐसी मूवी को इनकार किया जिसमें फिजिकल इंटीमेसी के सीन्स हो। इसके बावजूद उनकी एक मूवी के कुछ सीन्स ने खलबली मचा दी थी। अप्रैल 2007 में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी। शादी से पहले दोनों की मूवी गुरु जनवरी में रिलीज होकर चारों तरफ खूब सराही गई थी। बच्चन जोड़ी सुर्खियों में थी और भी धमाका हुआ। ऐश्वर्या राय बच्चन के बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट द लास्ट लीजन की रिलीज की चर्चाएं होने लगी। हालांकि ये मूवी 2 साल से बनी हुई थी, परंतु निर्माताओं का भरोसा इसमें खत्म हो चुका था। कॉलिन फिर्थ और बेन केंसली जैसे हॉलीवुड सितारे इसमें थे। माना जा रहा था कि ये मूवी ऐश्वर्या राय बच्चन को हॉलीवुड के एलिस्ट सितारों की कतार में खड़ा कर देगी, परंतु निर्देशक डॉग लेफलर की मूवी में निर्माता कंपनी विंगस्टोन की दिलचस्पी अचानक खत्म हो गई और इसे बिना किसी प्रचार प्रसार के अक्टूबर में रिलीज कर दिया गया। मूवी पूरी दुनिया में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। झील से निकलते हुए सीन के अलावा मूवी में कॉलिन फिर्थ के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन के रोमांस के कुछ अतरंगी सीन्स थे, लेकिन सेंसर ने उन पर कैंची चला दी। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 28। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल न्यूज 28 को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।